तो देखो, इससे इससे जो पहले वाले पार्ट्स थे उसमें हमने दो कंट्रोलर कवर कर लिए थे, राइट, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और सेकंड वन इज डेरिवेटिव कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या था, उसमें जो आपका एक्चुएटिंग सिग्नल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपके एरर सिग्नल के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। और डेरिवेटिव में क्या होगा कि जो आपका एक्चुएटिंग सिग्नल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेरिवेटिव ऑफ आपकी एरर सिग्नल के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। एज अ नेम सजेस्ट, इंटीग्रल कंट्रोलर, राइट। तो डेरिवेटिव में क्या था, किसके प्रोपोर्शनल था, डेरिवेटिव ऑफ एरर सिग्नल के, राइट। सिमिलरली इसमें किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एरर सिग्नल के। इसमें क्या हो जाएगा, आपका एक्चुएटिंग सिग्नल जो एरर सिग्नल आएगा उसके इंटीग्रल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, राइट। देखो क्या, इन एरर इन इंटीग्रल कंट्रोलर द एक्चुएटिंग सिग्नल फॉर द कंट्रोल एक्शन इन अ कंट्रोल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल ऑफ एरर सिग्नल, देयरफॉर द सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटीग्रल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो एक्चुएटिंग सिग्नल हमें कंट्रोल एक्शन के लिए चाहिए वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपके इंटीग्रल ऑफ एरर सिग्नल के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ईएटी क्या है हमारा, एक्चुएटिंग सिग्नल दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ ईटी, दैट इज दिस इज क्या है, एरर सिग्नल, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को आप रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा, के आई, ठीक है। इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रल कंट्रोलर कांस्टेंट हो जाएगा के आई, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टी डी टी, ठीक है। दोनों तरफ आप लाप्लास ले लो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई एस इक्वल्स टू के आई, और इंटीग्रल का क्या होता है, वन अपॉन एस ई एस, राइट। तो ये आपका क्या आ गया, लाप्लास आ गया, ठीक है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो हम क्या करते हैं, अब लाप्लास मतलब एस डोमेन में क्या करते हैं, हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए क्या करो आप इसका लाप्लास ले लो, ठीक है। आप देखेंगे कि इसे डिजाइन कैसे कर सकते हैं हम, देखो सेम जो पहले से प्रोसेस करते आ रहे हैं सेम करना है हमें। क्या देंगे, एक रेफरेंस इनपुट देंगे सिस्टम को, ठीक है। उसके बाद क्या लगा देंगे, एक एरर डिटेक्टर लगा देंगे। उसके बाद आपका जो कंट्रोलर है यहाँ पे लगेगा, उसके बाद ये प्लांट है दैट, उसके बाद हमारा क्या है, आउटपुट है। आउटपुट जो है आपका फीडबैक पाथ के थ्रू क्या है, आपके एरर डिटेक्टर से कनेक्टेड है। तो देखो इसमें अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमने जो कंट्रोलर है वो प्लांट के बाद क्यों नहीं लगाया। तो प्लांट के बाद लगाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जब प्लांट ही तो प्रोसेस करेगा सिग्नल को, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ही कंट्रोलर लगा के उस सिग्नल को जितना डेविएशन हुआ है उस हिसाब से हमने क्या किया, उसे एडजस्ट कर दिया कि ताकि हमें डिजायर्ड वैल्यू मिल सके, राइट। तो हमने इसीलिए क्या किया, पहले कंट्रोलर को यहां पे लगाया है, मतलब प्लांट से पहले लगाया, ताकि जो सिग्नल हम इसे दें उसके बाद वो प्रोसेस करके हमें डिजायर्ड आउटपुट दे सके। मान लो हमने प्लांट को यहां पे लगाया होता, कंट्रोलर को यहां पे स्वाइप कर दिया होता, मतलब ये प्लांट यहां पे लगा होता और कंट्रोलर यहां पे, तो क्या होता, सबसे पहले तो आपका प्लांट क्या होता है, वो प्रोसेस कर देता, उसके बाद सिग्नल कंट्रोलर को देता, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्योंकि क्या होता है कि आपका प्लांट ने तो उस सिग्नल को प्रोसेस कर ही दिया, क्योंकि जो आपका प्रोसेसिंग का काम होता है वो क्या करता है, मेनली आपका प्लांट ही करता है, राइट। आपका जो इंडस्ट्री है उसमें जो प्लांट होता है वो तो उसी का तो मेन रोल होता है, वहीं तो आपका जो आउटपुट होता है वो प्रोसेस करता है। कंट्रोलर तो बस बेसिकली वो कंट्रोल करेगा आउटपुट को, जो प्रोसेसिंग होगा वो प्लांट के थ्रू होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोलर लगाते हैं, ताकि कंट्रोलर क्या करे कि जितना भी आपके सिग्नल में डेविएशन हुआ है आपके डिजायर्ड वैल्यू से, उतने वैल्यू को क्या करें, एडजस्ट कर दें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था, हमने क्या निकाला था, ई एस क्या था आपका, के डी अपॉन एस इंटू ई एस, ठीक है। देखो यहां से हमने क्या दिया, एज अ रेफरेंस इनपुट हमने क्या दे दिया, आर एस दे दिया, और आउटपुट में क्या मिल रहा है, हमें सी एस मिल रहा है, राइट। ये आपका जो यहां से जो सिग्नल है, जो फीडबैक सिग्नल है, वो कहां पे जाएगा, एरर डिटेक्टर को जाएगा। एरर डिटेक्टर क्या करेगा, आपके इनपुट सिग्नल और जो फीडबैक सिग्नल है दैट इज योर आउटपुट, जो आपको आउटपुट मिला है उससे क्या करेगा, कंपेयर करेगा, राइट। और जो कंपेयर करके जो वैल्यू आएगी, जितने का डेविएशन आएगा उतना वो क्या करेगा, एज अ सिग्नल वो आपके कंट्रोलर को देगा, ठीक है। कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर यहां पे क्या लिखा हमने, के आई अपॉन एस, हमने ये निकाला था ना, सॉरी यहाँ पे के डी नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा, के आई होगा,
क्योंकि हम इंटीग्रल कंट्रोलर ले रहे हैं ना, ठीक है। तो के आई अपॉन एस, तो के आई अपॉन एस कर लिया, उसके बाद एक्चुएटिंग सिग्नल मिल जाएगा फॉर अ प्लांट, हमें जो इससे सिग्नल देना है एज अ इनपुट वो हमें मिल जाएगा, डेट इज ई ए एस, ठीक है। तो यही आपका बेसिकली इसका रोल है। उसके बाद इसका ट्रांसफर फंक्शन आप कैसे लिख सकते हो, अगर किसी ने बोला तो क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन, क्या होता है रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज जीएस अपॉन वन प्लस जीएस इंटू एचएस। देखो जीएस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मतलब मैं यहां पे ये ले लूं, जितना फॉरवर्ड पाथ जितना गेन होगा ना आपके, जितने फॉरवर्ड पाथ में जहां इनपुट से लेकर आउटपुट तक जितने भी फॉरवर्ड पाथ आपके ब्लॉक्स कनेक्टेड होंगे उन सबको यहां पे कंसिडर करना है, राइट। नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है हम ऐसे ही लेते हैं, यहाँ पे G1 2, G1 3, G1 4 ऐसे दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CS अपॉन RS आपका क्या हो जाएगा, देखो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक क्या है सीरीज में, मैंने ब्लॉक रिडक्शन में बताया था कि व्हेन टू ब्लॉक्स आर इन सीरीज देन वी हैव टू रिप्लेस दिस टू ब्लॉक्स फ्रॉम अ सिंगल ब्लॉक्स। कैसे करोगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा के आई अपॉन एस इंटू जीएस राइट अपॉन वन प्लस के आई एस इंटू जीएस इंटू आपका जो भी फॉरवर्ड पार्ट जो गेन होगा उसे भी यहां पे लेना होगा। तो ये आपका क्या आ गया ट्रांसफर फंक्शन आ गया आपके सिस्टम का, इंटीग्रल सिस्टम का, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या देखा कि आपके प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हो गए, डेरिवेटिव कंट्रोलर हो गए और इंटीग्रल कंट्रोलर हो गए, राइट। इंडिविजुअली हमने सबको कर लिया, उसके बाद हम क्या देखेंगे इन सबका कॉम्बिनेशन देखेंगे कि आपका प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर कैसा होता है, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर कैसा होता है और पीआईडी कंट्रोलर कैसा होता है।